तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तुम्बाड़ मूवी को। ये काफ़ी अंडररेटेड मूवी है पर सच में बहुत ही बेहतरीन मूवीज में से एक है। तुम्बाड़ मूवी की आईएमडी रेटिंग है 8.2 out of 10, रोटेन टोमेटोस पे इट्स वो पेन 86% फ्रेश। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों ने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो जाके पहले मूवी देखे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में तुम्बाड़ मूवी को समझते हुए इसे रिलेटेड थ्योरीज को भी हम जानेंगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक एनिमेटेड सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विनायक अपने बेटे पंडुरंग को एक कहानी सुना रहा होता है। पूर्ति की देवी जिनके पास अनाज और सोने का अपार भंडार है और ये धरती उनकी कोख है, और पूर्ति की देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया और उनकी सबसे पहली संतान का नाम हस्तर था जो कि पूर्ति की देवी को सबसे प्यारा था। और जैसे जैसे समय बीता एक दिन ऐसा आया जब हस्तर ने अपने ही माँ का सोना चुराने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। पर जैसे ही वो अनाज की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तभी वहाँ मौजूद देवताओं ने वार कर दिया और उसे सैकड़ों धूल की कणों में बांट दिया, और लगभग वो अपनी जान गंवाने ही वाला होता है तभी पूर्ति की देवी उसको बचा लेती है। पर हस्तर को बचाने की एक शर्त ये थी कि आज के बाद हस्तर को कोई भी नहीं पूछेगा और ना ही किसी भी पुराणों में उसका नाम लिया जाएगा। लेकिन विनायक के ही पूर्वजों ने हस्तर का मंदिर बना डाला और तब से देवी देवताओं का क्रोध इस गांव पे बारिश भंगे बरस रहा है। और तभी पंडुरंग विनायक से पूछता है कि आखिर हम लोगों ने हस्तर को जगाया है क्यों। तो विनायक इस बात पे बोलता है, हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। अब हस्तर का श्राप तुम्बाड़ के गाँव के लोगों के लिए वरदान कैसे है ये हम मूवी में आगे जानेंगे। इस पूरी मूवी को 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है जहाँ पहला चैप्टर हमें 1918 का दिखाया जाता है और सेकंड चैप्टर 1933 में और लास्ट एंड थर्ड चैप्टर 1947 का दिखाया जाता है। तो पहले चैप्टर में हम दो बच्चों को देख पाते हैं जिसमें बड़े बेटे का नाम विनायक और छोटे बेटे का नाम सदाशिव होता है, और इन दोनों बच्चों की एक माँ थी जो सरकार नाम के आदमी के वाड़े में काम किया करती थी। सरकार बहुत ही बूढ़ा आदमी था और विनायक की माँ सोने की मुद्राओं के लालच में उसको सेक्सुअल ब्लेजर्स देती थी, और सरकार उसे बोलता है कि सोने की मुद्राएं यूं ही नहीं मिल जाती, उन्हें कमाना पड़ता है। पर दूसरी तरफ सीन चेंज होता है जहाँ हम दोनों भाई विनायक और सदाशिव को देखते हैं जो कि अपनी माँ का घर आने का इंतजार कर रहे होते हैं, और दोनों आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि बुढ़िया को खाना कौन देगा। तो इस कहानी में हम एक बुढ़िया को देखते हैं यानी कि दादी को, पर वो इन दोनों की दादी नहीं लकड़ नानी सरकार की होती है। अब आप में से काफी लोग ये बात जानते भी होंगे और काफी लोग नहीं भी जानते होंगे कि लकड़ नानी किसे कहते हैं। तो आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सबसे पहले होता है पोता, फिर बेटा, देन पापा, फिर दादा, और फिर उनसे ऊपर होते हैं परदादा, फिर सरदादा, फिर उनके ऊपर होते हैं लकड़ दादा, और यही सेम चीज नानी की तरफ भी अप्लाई होती है। तो हम समझ पाते हैं कि उस बुढ़िया की एज लगभग 200 साल से भी ज्यादा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देख पाते हैं कि सरकार की मौत हो चुकी है और विनायक की माँ तुम्बाड़ छोड़ के पुणे जाने का डिसीजन लेती है। तभी विनायक अपनी माँ से बोलता है कि सरकार के मरने के बाद वाड़ा अब ऊंगा हुआ और वाड़े के अंदर छिपे हुए खजाने को वो लोग ढूंढेंगे। तभी उसकी माँ उसे बात कहती है कि सरकार अपनी सारी जिंदगी खजाना ढूंढता रहा पर उसे कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि खजाना है ही नहीं। जिस बात पे विनायक कहता है कि खजाना सच में है और इस बारे में बुढ़िया को जरूर पता होगा। तभी उसी दिन हम सदाशिव को देखते हैं जो कि ऊंचे पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है, पर अचानक से इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद सदाशिव घायल हो जाता है, और तभी उसकी माँ उसको वैद्य के पास ले जाने के लिए निकलती है और विनायक को बुढ़िया को खाना खिला देने के लिए बोलती है, और साथ में ये भी कहती है कि अगर बुढ़िया ज्यादा चिल्लाए या ज्यादा कुछ हरकत ही करे तो सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा बोल के उसको सुला सकता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जैसे ही विनायक खाना बनाने जाता है तब उसकी दादी खजाने का लालच देके और उसको अपने पास बुलाने लगती है, और इस वक्त तक विनायक भूल चुका था कि उसकी दादी को सुलाने के लिए उसको क्या कहना है। तभी दादी विनायक के पैर में जंजीर बांध के उसको अपनी तरफ खींचने लगती है और दादी विनायक को खा जाने की बात कर रही होती है। यहाँ हम दादी को देखते हैं जिनकी चमड़ी वगैरह सब सड़ चुकी है और एक तरह से उनका शरीर भी गलना शुरू हो चुका है, पर उनके शरीर में अब भी जान है। अब दादी की ऐसी हालत क्यों है ये हम मूवी में आगे जानेंगे। और हम देखते हैं विनायक उस लाइन को याद करने की बहुत कोशिश करता है, पर जैसे ही उसकी दादी उसको मारने ही वाली होती है उसको वो लाइन याद आ जाती है और वो जोर से चिल्लाता है, सो रहा दादी वरना हस्तर आ जाएगा, और दादी सो जाती है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं विनायक
उसका भाई सदाशिव अपनी जान गवा बैठा है और इस बात को लेके उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी है। अब विनायक और उसकी माँ सदाशिव के शरीर को आग देते हैं और दोनों तुम्बार छोड़ के पुणे लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ हम विनायक को सोने की मुद्राओं के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जिस बात को लेके विनायक की माँ उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। जहाँ हम क्लियरली समझ पाते हैं कि विनायक का पूरा परिवार लालची है और लालच में ही आके विनायक की माँ भी सरकार को सेक्सुअल प्लेजर्स देती थी। और सदाशिव के मरने के बाद उसकी माँ का लालच भी खत्म हो जाता है और तभी उसकी माँ विनायक को कसम देती है कि वो आज के बाद कभी तुम्बाड़ में नहीं आएगा। और यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म होता है। चैप्टर 2 की स्टोरी हमें 15 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम विनायक को तुम्बाड़ आता देते हैं। विनायक अब जवान हो चुका है और उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। और जब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो फिर उनका दिया हुआ कसम भी किसी काम का नहीं है। इसलिए विनायक तुम्बाड़ खजाने को ढूंढने के लिए वापस आता है। नेक्स्ट सीन में हम विनायक को अपने पुराने घर में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे अब बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए हैं। और इसी बीच विनायक को एक इंसानी दिल दिखता है जो कि अब भी धड़क रहा होता है। दादी की पीठ से बड़ा सा पेड़ उग के बाहर आ गया था और वो दिल दादी का ही था जो कि अब भी जिंदा थी। विनायक अपनी दादी से खजाने के बारे में पूछता है और दादी उसको ये बोल के मना कर देती है कि ये सब अब फिर से शुरू मत करो, ये शराब मुझ पे खत्म हुआ था और इसको आगे बढ़ाने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। और विनायक उनको बार बार ये बोल के मना रहा था कि अगर उसने खजाने को नहीं ढूंढा तो कोई और उसको ढूंढ के हत्या लेगा। जहाँ दादी उसको बताती है कि वो हस्तर की शराब की वजह से अमर हो गई है और अगर विनायक उनको जला के इस शराब से मुक्ति देगा तो वो इस खजाने के राज के बारे में बताएगी। जिस बात पे विनायक मान जाता है, दादी से खजाने के बारे में जान लेने के बाद वो दादी को जला लेता है और दादी को मुक्ति दे देता है। अब अगले सीन में हम विनायक को वाड़े में जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो खजाने को ढूंढ लेता है और वो खजाने के राज को भी जान चुका होता है। अब विनायक पुणे के लिए वापस निकलता है और ऐसे ही कई दिनों तक खजाने ढूंढने के चक्कर में उसकी दाढ़ी बाल वगैरह सब बढ़ गई थी और वो एक भिखारी की तरह लग रहा होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देख पाते हैं विनायक की गैर मौजूदगी में विनायक की पत्नी ने आटा पीसने का धंधा शुरू कर दिया होता है। अब अगले सीन में हम विनायक को प्रॉपर लुक में आते हुए देखते हैं। इसके बाद वो अपने मुनिंग के पास जाता है और हम देखते हैं कि वो अपना पुराना कर्ज उतारने की बात कर रहा होता है। विनायक कर्ज होता है 36 रुपए और वो उस कर्ज को उतारने के लिए मुनीम को एक सोने की मुद्रा देता है जिसकी कीमत 100 रुपए होती है। अब बाकी पैसे लेने के बाद विनायक मुनीम को कहता है कि उसके पास ऐसे ही 3 और मुद्राएं हैं और वो उनको बेचना चाहता है। इस बात पे मुनीम डर जाता है और वो कहता है कि कहीं तुम किसी का खून या चोरी करके तो ये मुद्राएं नहीं ला रहे हो। जिस बात पे विनायक कहता है कि ये उसका पुश्तैनी खजाना है। पुश्तैनी खजाने का मतलब होता है जो खजाना आपको आपके पूर्वजों से मिला हो। हम विनायक को बार बार तुम्बाड़ जाते हुए देखते हैं, जहाँ से वो हर बार सोने की मुद्राएं लेके आता है। और ऐसे ही विनायक दिन पर दिन अमीर होता जा रहा था। विनायक अब अपने लिए बाइक खरीद लिया था और अपने ही मुनीम को भी उधार देना शुरू कर दिया था। अब विनायक ये सोना एग्जैक्टली कैसे और कहाँ से लेके आता है, ये चीज हमें मूवी में अभी तक नहीं बताई जाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुनीम को, जिसकी एक ब्रिटिश ऑफिसर से जान पहचान होती है और उस ऑफिसर का अगले महीने प्रमोशन होने वाला होता है, इसलिए वो कुछ जमीन बेचना चाहता है। अब उस जमीन को खरीदने के लिए मुनीम को बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो विनायक के साथ उसके सोने के धंधे में पार्टनर बनने का प्रस्ताव रखता है और विनायक इस बात के लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से मुनीम ठान लेता है कि वो खुद तुम्बाड़ जाएगा और वाड़े में रखे हुए सोने को ढूंढ के लेके आएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुनीम को, जो कि विनायक को 2 दिन के लिए पुणे में ही रोकने के लिए एक विधवा औरत उसको बेच देता है, ताकि विनायक उसके साथ रासलीला रचाते रहे और उसी बीच मुनीम वाड़े में जाके सोने को लेके आ जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो औरत विनायक से 100 रुपए लेके तो ये बता देती है कि मुनीम ने उसको 50 रुपए दिए थे ताकि उसको वो पुणे में रोक सके। अब ये बात पता लगते ही विनायक भी तुरंत वाड़ के लिए निकलता है और उस वाड़े में मुनीम को देता है, पर विनायक जानबूझ के अनजान बनता है और मुनीम के सामने ही वाड़े के अंदर कुएं में चले जाता है और फिर कुछ समय बाद सोने की मुद्राएं लेके बाहर आता है। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली थी, वो अंदर जाते टाइम एक टिफिन बॉक्स लेके जाता तो है, लेकिन बाहर आते टाइम खाली हाथ बाहर आता है। अब विनायक वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही मुनीम उस कुएं के अंदर जाता है। अब दोस्तों यहाँ हमें फाइनली पता लगता है कि आखिर विनायक सोने की मुद्राएं कैसे लेके आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुएं के अंदर एक जगह है और वहाँ एक बड़ा सा बॉक्स है जिसके ऊपर पूर्ति की देवी की तस्वीर बनी हुई होती है। मुनीम उस बक्से को खोलता है और उसके अंदर उससे लटक के नीचे चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं उस जगह की अंदर की दीवार
पूरी तरह से लाल है तो देख के हम समझ पाते हैं कि शायद ये देवी की कोख है, क्योंकि ये जगह किसी के अंदरूनी शरीर के अंग की तरह थी जो कि सांस ले रही है। अब हम मुनीम को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है, और मुनीम उस टिफिन बॉक्स को भी खोल देता है जिसको विनायक पहले अंदर लेके आया था, जिसके अंदर हम व्यूवर्स देख पाते हैं उस बॉक्स के अंदर एक आटे की गुड़िया बनी हुई रखी हुई थी। टिफिन के खुलते ही हम एक एंटिटी को इधर उधर भागते हुए देखते हैं जो कि मुनीम को उठा के ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में विनायक वापस उस जगह पे आता है और साथ में एक आटे की बनी हुई गुड़िया भी लेके आता है, और आते ही सबसे पहले एक आटे का सर्कल की फॉर्म में घेरा बनाता है ताकि हस्तर उसके अंदर ना आ सके, और फिर विनायक आटे की गुड़िया बाहर निकाल के हस्तर को बुगाड़ता है। अब दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग काफी कंफ्यूज होंगे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि विनायक आखिर सोने की मुद्राएं कैसे लेता था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हस्तर को श्राप था जिस वजह से वो अनाज को छू भी नहीं पाता था, और इसलिए विनायक सबसे पहले देवी की कोख में जाके एक आटे का घेरा बनाता था ताकि हस्तर उसके अंदर ना आ सके, और फिर वो हस्तर को बुलाता था, वो उसे आटे की कुड़िया खाने को देता था, और मौका देते ही जल्दी से विनायक हस्तर की कमर पे बंधी हुई पोटली को खोल देता था जिसमें से सोने की मुद्राएं बाहर गिरती थी, और फिर सोने की मुद्राएं लेके वापस रस्सी से ऊपर चढ़ के ऊपर आ जाता था। पर ये सब उसको हस्तर के खाने से पहले करना होता था, क्योंकि अगर हस्तर ने वो आटे की गुड़िया खत्म कर दी तो वो विनायक के पीछे आता और उसको छू देता, और हस्तर के छूने से इंसान अमर हो जाता है, पर वो इंसान अजीब सा बन जाता है और वो किसी शराब से कम नहीं है। और यही रीजन था कि विनायक की दादी भी इतने साल तक जिंदा थी पर उनका शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था, और उनके पेट से पेड़ पौधे भी निकल आए थे पर वो मरी नहीं थी, क्योंकि विनायक से पहले उसकी सोने की मुद्राएं चुराए करती थी। फिलहाल हस्तर मुनीम को छू दिया था और मुनीम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो देवी की कोख में फंस चुका था, और विनायक बाहर जाने से पहले मुनीम को जला देता है ताकि उसको शराब से मुक्ति मिल सके। और यहीं पे चैप्टर 2 खत्म होता है जहां हम सोने की मुद्राओं का राज जान पाते हैं। दोस्तों यहाँ से चैप्टर 3 की कहानी 14 साल बाद 1947 की दिखाई जाती है, जहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं विनायक की अमीरी बढ़ती जा रही है और उसके 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 लड़कियां और 1 बेटा होता है। पंडुरंग के एक पैर से अपाहिज होने के कारण विनायक उसको कुछ खास समझता नहीं है और उससे बातें भी कम किया करता है। विनायक की भी अब उम्र होने लग गई है जिस वजह से वो कुएं से सोना निकाल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी एक दिन विनायक पंडुरंग को तुम्बाड़ ले जाता है ताकि उसे रियल चीजें दिखा के उसको ट्रेन कर सके। वो पंडुरंग को आते ही गुड़िया बनाना सिखाता है और उसे कहता है कि आटे की गुड़िया में पत्थर डालने से पत्थर को भी खा जाता है, जिसकी वजह से हमें सोने की मुद्रा चुराने में थोड़ा अधिक टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विनायक पंडुरंग को बोलता है कि आज सिर्फ अभ्यास का दिन है इसलिए आटे की गुड़िया बाहर ही फेंक देने के लिए, और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तब हम देख पाते हैं पंडुरंग आटे की गुड़िया लेके आ गया होता है, जिस वजह से हस्तर भी वहां आ जाता है और विनायक अपने बेटे को जैसे तैसे हस्तर से बचाता है और आटे की गुड़िया उसकी तरफ फेंकता है। और जब दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं तभी पंडुरंग हस्तर की पोटली खोल के उसमें से सोने की मुद्राएं चुरा लेता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी विनायक पंडुरंग को खूब पीटता है क्योंकि उसके मना करने के बाद भी पंडुरंग आटे की गुड़िया अपने साथ लेके आ गया होता है, और ये काफी रिस्क वाला काम होता है। और हम देखते हैं कि पंडुरंग इस बात के लिए खुश था कि उसने हस्तर की पोटली से मुद्राएं चुरा ली थी और ये उसकी पहली कमाई थी। अब पंडुरंग अपनी कमाई को उड़ाना चाहता है और उसको इतनी कम उम्र में ही लड़कियां चाहिए होती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि विनायक का बेटा उससे भी एक कदम आगे है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें पता लगता है कि तुम्बाड़ का वारा भारत सरकार को दान में दे दिया गया है और आज से 1 हफ्ते बाद उस पे ताला लग जाएगा। इस बात को लेके विनायक बहुत ज्यादा चिंता करने लगता है। तभी पंडुरंग एक जबरदस्त आइडिया देता है, वो कहता है कि क्यों ना हम सोने की मुद्राओं की जगह इस बार पूरी पोटली ही चुरा ले। ये बात विनायक ने कभी सोची नहीं थी और पंडुरंग के इस बात से वो बहुत खुश होता है। पंडुरंग कहता है कि हम एक आटे की गुड़िया की जगह बहुत सारी गुड़िया लेके जाएंगे, वो एक खाएगा तो हम दूसरी फेंकेंगे, जिसकी वजह से हमें काफी टाइम मिल जाएगा और हम पोटली चुरा के निकल जाएंगे। और फिर होना क्या था, दोनों निकल जाते हैं तुम्बाड़ के लिए और वहाँ पे बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाने लगते हैं और फिर दोनों देवी की कोख में चले जाते हैं। अब मूवी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि वो जहाँ हम 1-2 नहीं बल्कि कई हस्तरों को एक साथ देख पाते हैं, मतलब जितनी गुड़िया उतने ही हस्तर। यहाँ पे दोनों बाप बेटों की हालत पतली हो चुकी थी क्योंकि वो एक गुड़िया फेंकते थे तो सारे हस्तर उस गुड़िया को खाने लगते थे, जिस वजह से कुछ सेकंड्स में ही वो एक आटे की गुड़िया को खत्म कर दे रहे थे। अभी विनायक सारी आटे की गुड़िया को अपने शरीर में लपेट लेता है पर
रस्सी के सहारे बाहर आने लगता है और सारे हस्तर उसी के पीछे चले जाते हैं। विनायक ने बाहर बक्से के चारों ओर भी घेरा बनाया था, जिस वजह से उस घेरे के पार करते ही सारे हस्तर तिनकों में बिखर गए। अब पंडुरंग रोते हुए वाड़े से बाहर निकलता है और वहाँ वो अपने पिता को देखता है, जिसको हस्तरों ने छू लिया था, और इसी वजह से विनायक का शरीर अजीब सा हो जाता है और वो भी अमर हो चुका था। पर विनायक हस्तर की पोटली को चुराने में कामयाब हो जाता है और वो चिल्ला के अपने बेटे को वो पोटली ले लेने के लिए बोलता है। अब पंडुरंग अपने पिता की ये हालत देख के बहुत रोता है और वो पोटली को लेने से मना कर देता है। विच सिग्निफाइज कि पंडुरंग को ये रियलाइज हो चुका है कि लालच बुरी भला है और उसी लालच की वजह से आज उसने अपना पिता खो दिया और विनायक को शराब से मुक्ति देने के लिए उसको जला देता है। जहाँ हम विनायक के चेहरे पे खुशी का भाव देते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपके मन में कोई भी सवाल ना रहे। सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि अगर हस्तर को श्राप था तो वो आटे की गुड़िया खा कैसे पा रहा था। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि हस्तर उन आटे की गुड़िया को अपनी मर्जी से चुराना या लेना नहीं चाह रहा था, बल्कि उसको इंसान द्वारा दिया जा रहा था। और दूसरा सवाल ये कि एंड में इतने सारे हस्तर कैसे आ जाते हैं और क्या हस्तर मारा गया। तो दोस्तों मेरा मानना है कि हस्तर एक देव है जिसे कई अंगिनत रूप है और आप उसे जितने टुकड़ों में खाना दोगे वो उतने ही रूप में आपसे खाना लेने आएगा। और हस्तर के इतने सारे रूप है तो वो मर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि हस्तर अब भी जिंदा है। और तीसरा सवाल ये कि आटे को गुड़िया के शेप में क्यों बनाया जाता था, तो वो आटा कहीं ना कहीं हस्तर को ही रिप्रेजेंट करता था और वो गुड़िया हस्तर की मूर्ति जैसी थी। अब आप लोग मूवी को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि विनायक की फैमिली में बाय द अपकमिंग ऑफ जनरेशन लोगों में लालच और कामुकता बढ़ती जा रही थी। जहाँ विनायक की माँ एक सोने की मुद्रा के लिए सरकार को सेक्सुअल प्रेशर देती थी और उनकी आँखें तब खुली जब उनका बेटा सदाशिव मारा गया और विनायक को एक मुद्रा नहीं बल्कि पूरा खजाना चाहिए था। और कामुकता का भाव उसमें तो था ही, क्योंकि उसकी बीवी के अलावा उसके बाकी औरतों से भी संबंध थे। दूसरी तरफ हम विनायक के बेटे पंडुरंग को देखते हैं जो कि अपने बाप से भी एकदम आगे था, जिसको पूरी सोने की पोटली चाहिए थी और इतनी कम उम्र में ही उसको लड़कियां भी चाहिए थी। अपने पिता को खोने के बाद उसकी भी आंखें खुल जाती है और उसको भी लालच करने का सबक मिल जाता है। मूवी में हमें बताया जाता है कि दादी कुएं में सबसे तेज उतर और चढ़ सकती थी और यही रीजन था कि उसकी दादी पुराने टाइम में सोने की मुद्राएं चुराया करती थी और हस्तर के छू लेने से उनका शरीर भी अजीब सा हो गया था। दोस्तों ये थी तुम्बाड़ मूवी और ये मूवी पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, जहाँ हमें तीन जनरेशन को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूले और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।